तो हेलो स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए। यूपीएससीएल जेई 2020 का जो फाइनल रिजल्ट है वो आ चुका है, और आप देख सकते हैं इसमें जिन भी स्टूडेंट्स का जो शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है। तो आप रोल नंबर इनका देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे आपको ये ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा, यूपीएससीएल के ऑफिशियल साइट पर आप जाएंगे तो जो वैकेंसी रिजल्ट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करने पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। सबसे दिलचस्प बात ये होगी इसमें, ये जानना है कि इसका कट ऑफ कितना गया है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। जो अनरिजर्व का कट ऑफ गया है जूनियर इंजीनियर, अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ ट्रेनिंग, तो वो कट ऑफ आपका 147.179 गया है अनरिजर्व का। वहीं EWS का 139.560 रह गया, और OBC कैंडिडेट्स का 144.311। SC स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो 124.751, वहीं जाकर ST स्टूडेंट्स 109.468, और बाकी अदर स्टूडेंट्स के कट ऑफ आप देख सकते हैं। तो यद्यपि ये मेरिट लिस्ट नहीं है, यानी कि कुल मिला के ये आपका क्या है कि परिणाम के प्रकाशन में सही प्रकार सावधानियां अपनाई गई हैं, फिर भी मुद्रित त्रुटि के लिए विद्युत सेवा आयोग सभी प्रकार की भूल चूक सुधार का अधिकार सुरक्षित रखता है। यूपीएससीएल की तरफ से ये कहा गया है। तो ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं। हालांकि यूपीएससीएल ये ऐसा डिस्कॉम डिपार्टमेंट है जो कि आपका एब्सेंट जो कैंडिडेट्स थे उनका दोबारा से DV किया था, मतलब कि री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनको हम कह सकते हैं वो यूपीएससीएल द्वारा किया गया था। तो ये आपके कट ऑफ थे जो कि मैंने एक्सपेक्टेड किया था कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ EWS की 133 से लेकर के 140 तक आपकी जा सकती है, जो कि 139.560 तक जा करके इस बार रह गई है इस पेपर में। तो कंग्रेचुलेशन है उन सभी स्टूडेंट्स का जो भी शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं इस कमेंट सेक्शन में अपना वो नाम मैसेज करेंगे विद देयर रोल नंबर, एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर द सेलेक्टेड स्टूडेंट्स फॉर देयर फ्यूचर ऑस्पेक्ट्स। ओके, और उन स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ जिनका भी अभी रह गया है या कुछ नंबरों से रह गया होगा, UPPCL का आपका दोबारा से एग्ज़ाम होना है अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मान के चलिए कि 15 मई के आसपास तक एग्ज़ाम हो जाना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसलिए स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी पार्ट और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते रहें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाते रहें। आपका भी अगले एग्ज़ाम में, मतलब इस वाले एग्ज़ाम में 2 से 3 महीने में आपका भी सिलेक्शन होगा। पूरे जे ओशियन एकेडमी टीम की जो वे बेस्ट विशेज हैं वो आपके साथ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द those students who are not selected, unfortunately not selected in this examination, but they will be selected in the further examination of UPPCL junior engineer. Okay, all the very best.